हिंदुओं के ऐतिहासिक दुर्गियाना मंदिर में दीपावली की रात लगभग 7 लाख रुपए की चोरी होने की सूचना मिली है। खबरों के मुताबिक चोरों ने दुर्गियाना मंदिर के प्रबंधक कमेटी ऑफिस से, जो कि मंदिर की एंट्री गेट पर बना है, में से 7 लाख रुपए चुराए हैं। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह लगी है। मौके पर सीनियर पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं और सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों का पता लगाने पर जोर दे रहे हैं। अभी तक दुर्गियाना मंदिर कमेटी या पुलिस ने इस संबंधी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। पूरी दुनिया एक और जहां दिवाली की खुशियां मना रही थी, वहीं दूसरी ओर चोरों ने भगवान के घर पर ही हाथ साफ कर दिया। दिवाली की रात को अमृतसर के श्री दुर्गियाना तीर्थ में चढ़ावे और मिष्ठान भंडार के करीब 10 लाख रुपए कार्यालय में रखे हुए थे। रात के समय चोर कार्यालय पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डालकर करीब 7 लाख रुपए ले उड़े। जांच अधिकारी और दुर्गियाना मंदिर के अधिकारी का कहना है कि चोर पैसों में से सिर्फ 2-2 हज़ार रुपए के नोट ही लेकर गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अमृतसर से धर्मवीर गिल, आजाद टीवी न्यूज। चोरी जड़ी है 9 बजे तो 10 बजे के बीच हुई है, जिदा मतलब है कि हो सकता है कोई मंदिर का कर्मचारी भी बिच ना हो, पर अनफॉर्चुनेटली मंदिर की सिक्योरिटी जी है वो बिल्कुल ही नहीं हैगी, और जो सिक्योरिटी होंगी तो ये वारदात नहीं सी होनी। सीसीटीवी कैमरा जोड़ा है वो रुमाल पाता गया है, और वो एक बार रुमाल गया तो फिर चुक के पा दिता गया, जिदे करके उन्होंने बंद की न शकल जी है वो क्लीयर कट नहीं आई। कोई चोरी करके लै गया तो मैं जाके वेख्या तो वाकई अलमारी टुटी भी, कोई इन्ह मैनू शक है भी शायद बेचे कोई बंदा रलिया ही, जिस दरवाजा अंदर तक कुंडी जी उन्होंने कहने मतलब खुली ही, तो होर पाया ज़्यादा कोई है नहीं भी, सिर्फ अंदरली लमारी टुटी वो 2-2 हज़ार वाले नोट गायब ने, बाकी कैश उत्थे ही। सीसीटीवी फुटेज जी किसने किसने जिन्हें की पहला तो पर्दा पाया गया कोई लिफा रखा गया, बाद चो अद्धे घंटे कपड़ा लत्था।